भविष्य की बहुत ही बेहतरीन एडवेंचरस ट्रिप पर हैं हम, और इस समय आप मेरे साथ हैं चित्रकूट में। और चित्रकूट की ये जो नगरी है, ये भगवान राम की नगरी है, और इस भगवान राम की नगरी पे ही बहुत बढ़िया एक झरना जल प्रभात, सबरी जल प्रभात के नाम से फेमस है। और देखिए कितनी एडवेंचरस रोड है, ढाल नीचे की तरफ जाती हुई फिर ऊपर की तरफ आती हुई। हमारे साथ बैठे हुए लोगों को मेरी ये बोली पसंद आ रही है, काफी खुश हैं। यहाँ के विषय बताऊँ, यहाँ के बारे में संपूर्ण ज्ञान देते हैं। बगल में खड़े हुए जितनी ये पेड़ की झाड़ियाँ दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं बेशरम की झाड़ी, सत्य है ये। और इस पेड़ को नेहरू जी विदेश से लेके आए थे, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बेशरम की बेल को विदेश से लेके आए थे, क्योंकि इस बेल को पैदा करने के लिए किसी भी तरीके की कोई मेहनत नहीं लगती और ये बेल अपने आप पैदा होती है। बस करिए, बेल मिल जाएगी। ये रोड कैसी है? रोड बेहतरीन है, आगे बढ़ते रहिए। देखिए आपको एडवेंचर वाली चीजें दिखना स्टार्ट हो गई। देखिए पानी में कितनी मछलियां हैं, मेरी गाड़ी में भी दो मछली हैं, बड़ी मछली, यही तो नहाए हो। ये देख लिया, ये लोग जल प्रभात का आनंद लेके आ रहे हैं, ये एडवेंचरस लोग हैं। जैसे नीचे आए थे वैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, उसी तरीके की पुरानी झोपड़ियां, छोटी पाटन, उसी तरीके पुराने मकान। ये वो बीहड़ है जहां पर किसी जमाने में डकैत अपना अड्डा बनाकर रहा करते थे। सही है, उन्हों बताओ रहा। बट आज की डेट में यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने इतना दबाव बना रखा है कि खाकी के डर से इन डकैतों ने अपनी इस लोकेशन को छोड़ दिया है, और सब लोग आने लगे हैं। शुक्ला जी की हार्दिक इच्छा है, बता रहे हैं कि चार लोग रिवॉल्वर लेके कभी खड़े होते थे, आज नहीं है वो। देखिए वो, देखिए वो दूर कहीं दूर, इन सबको जाना है जरूर। छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे तालाब, ये देखिए आपको बेहतरीन एडवेंचरस रोड। सामने भूरी काकिया अपनी दुकान दिखाती हुई जाती हुई, लेफ्ट को भी इशारा कर रही है, पूछ से राइट को भी कर रही है। तभी रबड़ी ऊपर तक मिल रही है। ये सब फर्जी रबड़ी थी, 20 रुपए 100 ग्राम दे रहे थे, जो तो बनाई हुई रबड़ी थी। ये देखिए सिर्फ बैल आ रहे हैं, आदमी अंडर लग रहा है ही नहीं, बैलों के भरोसे में चल रहा है, पहुंचा ही देंगे। बिना दरवाजों के मकान है, सुरक्षित। ये देखिए हवेली तैयार होती हुई, सो रहा है। ट्रेन कौन सी ट्रैक है ये जो ट्रेन जा रही है? बांदा वाला ट्रैक है ये, बांदा चित्रकूट जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन नजारा, गांव वाले हम लोगों को ऐसे देख रहे हैं जैसे लाल बंदरों के बीच में दो काले लंगूर आ गए हों। पिछले 10 किलोमीटर में एक भी रोड पे दुकान नहीं दिखी, ना लेफ्ट ना राइट। यहाँ के लोग पान मसाला खाकर थूकने में इंटरेस्ट नहीं रखते, ना ही धुआं उड़ाने में इंटरेस्ट रखते। गलती से अगर ये कनपुरिये होते तो शायद हर जगह एक पान का खोखा रखा होता है। गलती से एक दुकान दिख रही है, देखते क्या बेच रहा है, ये इसे पूछ लेते थोड़ा सा। यही है भाई सबरी जल प्रभात। हम लोगों की रेंज भी आ गई, लोकेशन भी आ गई, यहीं से गाड़ी घुमाइए इसी तरफ से। चित्रकूट वन विभाग, ये देखिए बेहतरीन आपका स्वागत करता है। कितनी दूर है पूछ लेते हैं, लोग ज़्यादा अच्छा रहता। रास्ता दिखा रहा, कितना बेहतरीन पहाड़ है, बकरियां चरने पेड़ पर जा रही हैं, जो पहाड़ पर जा रही हूँ, पर पहाड़ पर पेड़ है। रोड बड़ी एडवेंचरस है, एक पैक मान लो। अरे भाई झरना दिखने लगा, वो देखो आप उधर, देखो वो, देखो उधर उस तरफ नज़ारे देखो आप।
देखिए पांच गाड़ियां झरने के पास खड़ी हुई हैं। आप इससे आइडिया ले सकते हैं। ये गाड़ी मुझे संतोष सिंह जैसी दिख रही है। गाड़ी में व्यवस्थित लोग नीचे उतरते हुए, ये चश्मा लगा के रजनीकांत के चाचा, बहुत ही प्राइम लोकेशन, आवाज से लग रहा है कि झरना बहुत अच्छा आ रहा है। आप देख भी पा रहे होंगे थोड़ी दूर पर वो पानी की लहरें आ रही हैं और ये नीचे की तरफ बढ़ रही हैं।